इसराइल हमास जंग का 17वां दिन है। पिछले 24 घंटों में गाजा में की जा रही इजरायली बमबारी में 400 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। जानकारी के मुताबिक इजरायली सेना ने राफा और जबालिया कैंप समेत 25 जगहों पर भारी बमबारी की। जबालिया से अब तक 30 लोगों के शव बरामद किए जा चुके हैं। मरने वालों में ज्यादातर महिलाएं और बच्चे हैं। इधर लेबनान की तरफ से लगातार हो रहे हमलों का जवाब दे रहे इजरायली सैनिकों से प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने रविवार को मुलाकात की। उन्होंने सैनिकों से कहा, जंग में शामिल होना हिजबुल्ला की सबसे बड़ी गलती होगी। उन्होंने हिजबुल्ला को चेतावनी देते हुए कहा, लगातार हमले करने से या जंग शुरू करने से इजराइल ऐसी जवाबी कार्रवाई करेगा जो लेबनान में तबाही ला सकती है। हमास के साथ जंग में शामिल होना हिजबुल्ला की सबसे बड़ी गलती होगी।